फ्रेंड्स, डू यू फाइंड डिफिकल्टी इन मेकिंग सेंटेंसेस? क्या आपको सेंटेंसेस बनाने में, वाक्य बनाने में कठिनाई होती है? अगर हाँ, तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक सेंटेंसेस। वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे एकदम सरल और सुलभ तरीके से। हाउ टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कैसे बनाना, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस को क्वेश्चन का रूप कैसे देना, उनको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे ले जाना, ये हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। अब सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। फॉर मेकिंग ए सेंटेंस वी नीड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि विषय, जैसे आई, वी, ही, राम, बॉय, कैट, डॉग्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। फिर आता है वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, क्रिया, ईट, ड्रिंक, प्ले, सिंग एक्सेट्रा। फिर आता है जिस पर क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट, ऑन व्हाट द एक्शन इज डन, जैसे बॉल, टीवी, मोबाइल, बॉटल एटसेट्रा। देयर आर सेवन कॉमन प्रोनाउंस, सात कॉमन सर्वनाम होते हैं हमारे पास। दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फॉर मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने के लिए। पहले में आता है आई, वी, यू और दे, और इनके साथ हम अनेक वचन के सर्वनाम जोड़ते हैं। फिर आता है ही, शी, इट, और इनके साथ में हम लोग एक वचन के सर्वनाम जोड़ते हैं। कैटेगरी वन, प्लूरल्स विल टेक वर्ब एंड डू। एक नंबर की कैटेगरी में हम लोग क्रिया लेंगे और डू लेंगे। कैटेगरी टू में जो सिंगुलर होते हैं उसमें वर्ब के साथ में एस, ई एस और आई एस लगाएंगे और डज लेंगे। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरा डू, डज और डिड का वीडियो देखिए, वहां पे मैंने आपको ये डिटेल में समझाया हुआ है। नाउ मेकिंग सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे हम। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब एक्शन वर्ड, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आई ये सब्जेक्ट है, रीड ये क्रिया है, और ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। वी, ड्रिंक जूस, हम जूस पीते हैं। ही, प्लेस म्यूजिक, वह म्यूजिक बजाता है। राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आई के साथ में रीड लगा हुआ है, वी के साथ में ड्रिंक लगा हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी है। ही सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करता है, राम सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसके लिए उसकी क्रिया के साथ में एस, प्लेस और राम के साथ में गोस लगाया गया है। लेट अस लर्न फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं आपको ये जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूं सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे ये फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, इनको क्रिया, सिर्फ क्रिया ही लगेगी
और आगे से ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कि आई रीड न्यूज पेपर, वी रीड न्यूज पेपर, यू रीड न्यूज पेपर, दे रीड न्यूज पेपर। ही शी इट सेकेंड कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, तो इनको रीड्स लगेगा, क्रिया के साथ में एस लगेगा और फिर आगे से जाके न्यूज पेपर लगेगा। तो फर्क ये है कि फर्स्ट कैटेगरी के साथ में क्रिया को एस नहीं लगता है, ई एस नहीं लगता है, आई एस नहीं लगता है, और सेकेंड कैटेगरी के साथ में क्रिया को एस, ई एस और आई एस लगता है। नाउ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। अभी इन्हीं सेंटेंस को लेके हम इनका क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, इनका क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है। हमारे सेंटेंस है आई रीड न्यूज पेपर एंड ही रीड्स न्यूज पेपर। हमने एक एक एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना होगा, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। क्वेश्चन टाइप वन। क्वेश्चन टाइप वन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हम यस एंड नो, हाँ और नहीं में दे सकते हैं। इनकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। डू आई रीड न्यूज पेपर, क्या मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूं, और अब एक क्वेश्चन टाइप में आ गया। डज ही रीड्स न्यूज पेपर, अब जैसे ही डज लगेगा क्रिया का एस चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब मुझे इसे नेगेटिव फॉर्म में कहना है, तो डू आई नॉट रीड न्यूज पेपर, क्या मैं न्यूज पेपर नहीं पढ़ता हूं। डज ही नॉट रीड न्यूज पेपर, क्या वह न्यूज पेपर नहीं पढ़ता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन टाइप वन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सीखेंगे हम क्वेश्चन टाइप टू, जिसमें व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, क्यों, कब, कहां और कैसे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन टाइप टू होते हैं, ये क्वेश्चन टाइप वन के आगे लगाए जाते हैं, मतलब उससे पहले लगाए जाते हैं। जैसे वेयर का क्वेश्चन, वेयर यानी कि कहां, तो वेयर डू आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कहां पढ़ता हूं। वेयर डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कहां नहीं पढ़ता हूं। वेयर डज ही रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कहां पढ़ता है। वेयर डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कहां नहीं पढ़ता है। फिर आता है हमारा व्हेन, कब। व्हेन डू आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ता हूं। व्हेन डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता हूं। व्हेन डज ही रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कब पढ़ता है। एंड व्हेन डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता है। फिर आता है हमारा हाउ, कैसे। हाउ डू आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूं। हाउ डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कैसे नहीं पढ़ता हूं। हाउ डज ही रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता है। हाउ डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कैसे नहीं पढ़ता है। अब तक हमने पढ़ा व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, कब, क्यों, कहां और कैसे। अब हम सीखेंगे विच और हुज के बारे में। इनका जरा अलग फॉर्मूला है। विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका। विच और हुज के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर डू डज, नॉट लगाना हो तो नॉट आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्रिया आती है। जैसे हम बोलते हैं विच बुक डज शी रीड, यहाँ पे शी है तो डज, विच बुक, बुक ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सी किताब पढ़ती है। हूज बुक डू यू रीड, ये डू क्यों आया है, क्योंकि यू लगाया गया है। वैसे ही हम लोग विच बुक डज शी नॉट रीड, वो कौन सी किताब नहीं पढ़ती है। एंड हूज बुक डू यू नॉट रीड, आप कौन किसकी किताब नहीं पढ़ते हो। तो विच मतलब कौन सा और हूज मतलब किसका। तो दोस्तों ये थे हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन।
मुझे उम्मीद है कि आपको अब इस वीडियो देखने के बाद में सेंटेंस बनाने में काफी आसानी होगी। इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखिए कि आप सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकोगे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट्स जरूर लिखिए, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।